लोहरदगा के शहरी क्षेत्र में सड़क किनारे बने नाली की वजह से यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आए दिन वाहन दुर्घटना और जानवरों का नाली में गिर जाना आम हो गई है। वहीं फिर एक बार भैंसा नाली में गिर गया, जिसके बाद उसे स्थानीय लोगों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल बाहर निकाला। लोगों ने बताया कि लोहरदगा शहरी क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर नाली का निर्माण किया गया है, लेकिन कहीं भी स्लेप देकर उसे सेफ नहीं किया गया, जिससे आए दिन मोटरसाइकिल सवार और जानवर आदि हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। इसमें नगर पालिका की लापरवाही साफ झलकती है। जो नगर पालिका जो नगर निगम जो नाली बनाया है, आप देख सकते हैं कि दोनों साइड खुला है। आए दिन बाइक वाला कोई लेडीज गिर जाता है, जो जाम हो जाता है फर्स्ट। जो हम लोग आए दिन निकलते हैं, अभी देख रहे हैं कि 2 घंटा से ये बाइक फंसा हुआ था, किसी कारण से नहीं निकलने का स्थिति था, लेकिन किसी भी हाल से तोड़ फोड़ करके निकाले, है ना। ये हमारे नगर निगम का ये हाल है। आज वोट देने का समय आ गया है, कल आप लोग वोट देने जा रहे हैं, कि क्या मुद्दा रहेगा खास आप लोग का? मुद्दा क्या रहेगा, आप तो खुद स्थिति देख रहे हैं। और रह गया इस मोहल्ले में किसी तरह का कोई हैंडपंप नहीं है, किसी तरह का कोई फैसिलिटी नहीं है, एक सार्वजनिक पानी नल सप्लाई पानी लगा हुआ है, उसके कारण आए दिन रोज झमेला होता है। मैंने इस तरह का पूरा लोहरदगा में यही स्थिति है, बस बस यही स्थिति। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां नगर निगम की लापरवाही साफ देखने को मिल रही है। यहां निगम द्वारा नालियों का निर्माण तो करवाया गया है, लेकिन उनको खुला छोड़ दिया गया है, जिससे आए दिन बड़े हादसे होने की आशंका बनी रहती है। पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, इसके बाद भी निगम के अधिकारी नींद से नहीं जाग रहे हैं और इसका खामियाजा राहगीरों और पशुओं को भुगतना पड़ता है। अब देखना होगा कि निगम खुले नालों को लेकर गंभीर होकर उनको ढकने का काम करेगा या नहीं, या फिर किसी बड़े हादसे के इंतजार में बैठा रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए लोहरदगा से आनंद सोनी की रिपोर्ट।